महाराज ने मनाया गणेश वंदना के साथ, अब गुरु वंदना। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन भी शुरू नहीं, क्योंकि संतों की बात है, संतों की बात है। जीवन में गुरु होना जरूरी है। गुरु एड़ो होना चाहिए, आप तेरे दूसरा न तारे बैठो है गुरु, अनिजन कड़तुगरो पोरो है, रेडीमेड गुरु घना है, पर गुरु एड़ो करनो आप तेरे और दूसरो ने तारे बे हो जा गुरु संसार रे मायने। और गुरु री महिमा इस संसार रे मायने बड़ी विचित्र है। हां काई बात लारो बंद करोड़ो ठा करो गए मारो मारता नहीं भाव दो चले डायमंड होया है। और मैं तो थारे आश्रय काम करा तो सगलाई बड़े भाव जो जो अपने गुरु को मानता इष्ट गुरु को मानता वो दोनों हाथ उठा अपना जयकार लगावे। बोले अपने अपने इष्ट गुरु देव की, बोलो मात पिता गुरुदेव की, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु माता पिता है। माँ बाप री सेवा हुए बटे भगवान 33 कोची का देवी देवता विराजमान हुए, क्योंकि जीवन रमायने जिंदगी रमायने पहली सेवा है तो गुरु है। जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन भी शुरू नहीं। देवन के गुरुदेव वो देवन के गुरुदेव वो देवन के गुरुदेव हो रे आप बड़े जगदीश, बेड़ी भव जल बीच में गुरु तारे विश्वा बी। गुरु र गोविंद दोनों खड़े और कांके लागू पा, बलिहारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो तो विराजमान हो दादेरो दरबार है, दादेरो जागण है। अरे बड़े भाव में बैठ पड़ा दादेरी हाजरी लगानी है सभी भक्तों ने। कवि लिखे देवन के गुरुदेव हो राप बड़े जगदीश, बेड़ी भवदल बीच में गुरु तारे विश्वा बीश। गुरु गोविंद दोनों खड़े और कांके लागू पाव, बलिहारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो गोविंद। गुरु की कृपा गोविंद का दर्शन हुए जितने ताई गुरु नहीं हुए जितने गोविंद का दर्शन नहीं हुए। एक बार जो जो अपने इष्ट गुरु को मानता है वो दोनों हाथ उठा अपना बड़े भाव से। इष्ट गुरु को जो मानता है, हाँ इष्ट गुरु को जो मानता है वो दोनों हाथ उठा अपना बड़े भाव से जयकार लगावे। बोलिए अपने अपने इष्ट गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। सब ऊपर तो माता पिता, मां बाप से बढ़कर कोई गुरु नहीं। तो जितना भी भक्त विराजमान है अपरे जोधपुर राजा मानसिंह जी बड़ा एक संत महापुरुष होया और उबासी घनी खाओ होने के बात है हैं डोडा होता आज्ञा दे दो। बोले सच्चे दरबार की, हाँ राजा मानसिंह जी गुरु में मारे वाणी रे द्वारा फरमावे और केवे हरि मन कर मनवारे हे पिलायो रे, हरि मन कर मनवार पिला हे दयालु रे माने हरि रस पातो रे। बोलो गुरुदेव बाबा के सभी भक्तों के साथ जियो।
हरे आहो नहीं जावो जग में जन्मो न मरो हरे आहो नहीं जावो जग में जन्मो न मरो माने कर मन वार दाता अरे कर मन वार पिलायो रे दया दुर्बल हरि रस पाजो रे बोलो सत करु दीन दया मान सिंह जी इन बाणी रमन बड़ी अच्छी बात लिखी है अरे अड़सठ तीरथ मारे पूरा सरे शरण अड़सठ तीरथ मारे पूरा सरे शरण हरिरस पाजो रे सतगुरा माने प्रेम प्यालो पायो रे यो भाइयो बोलो अड़सठ तीर्थ कौन हुए गुरु माता पिता सब हुए माँ बाप री सेवा हुए जन तो तीर्थ नावे तो सफल हुए अरे माँ बाप तो मंच में बिलक बोक रहे बेटा तीर्थ नावन करता फिर तो नावन है सर ना सफल नहीं हुआ अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाए बड़े भाव से क्या बात है सबसे पहले घर माई ने माता पिता री सेवा बूढ़े माई पर और माँ बाप री सेवा हो जाए बैठे अड़सठ तीर्थ है जिता विराजमान हो जाए घर है जो सरस समान हो जाए क्योंकि जिन घर में माता पिता है वो घर है सरोग समान गुरु जी करियो करियो गंगा रो सुना तो अड़सठ तीर्थ मारे गुरा सारे शरणे अरे गीता गंगा ज्ञान नवण नायो रे गुरा सा माने कर मनवार प्रेम प्यालो पायो गुरु की कृपा हुए तो आ जाओ प्रेम रो प्यालो सरना सत्संग रे मायने दादे रे दरबार रे मायने नित धाम रे ऊपर सुनने वास्ते समय मिले तो कहे संत महापुरुष अरे देवनाथ गुरु सामर्थ मिली यारे अरे देवनाथ गुरु सामर्थ मिली यारो हरि हरि रस पायो रे Oh,
जिनका घट के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। जो भक्त विराजमान है दोनों हाथ उठना है और दादरी दरबार में जय बोलने वाले कंजूस सही नहीं करे सरनो। जो जो भक्त हमारी आवाज सुन लिया दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव के साथ बोलो अपने अपने इष्ट गुरुदेव की, बोलो गौ माता की, जय बोलो गुरु निरंजन नाथ बाबे की, कलिया नाटी रे श्याम की, जय हो जय हो जय हो। आवे जय बोले जने मगरेरी धरती है क्या तो ऊंडो नीर ऊण देश रो थोथा थलवट देश जठे रमगी जोगनिया बटे निम निम जाए। नरेश एड़ा महापुरुष होया ई धरती रो ऊपर एड़ा देवी देवता या जिकी धरती ने आपा सरना नमस्कार करा। और ई धरती री रेत री अगर कोई तिलक लगा ले दादन याद कर पणो रवानो जेवा आत्मा हूं तो जेड़ी महिमा वे दादो मनोकामना पूरी करे। तो अब माँ जगदम्बा ने